जनरल उर्दू के 12वें लेक्चर में आप तमाम तलबा तालबात का इस्तकबाल है। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तहजीब के लाखों फल आ जाएंगे, तहजीब के लाखों फल आ जाएंगे, उर्दू का एक पैर लगा दो बस्ती में, उर्दू का एक पैर लगा दो बस्ती में। कल हमने पंडित बिरज नारायण चक्सबस्त की नज्म रामायण का एक सीन पढ़ा था। मुझे यकीन है कि आपने उसे कई बार सुना होगा और फिर उसी के मुताबिक पढ़ने की कोशिश भी की होगी। क्लास के बहुत सारे फायदे हैं तो उसमें कुछ नुकसान भी हैं। ऑनलाइन में नुकसान कम फायदे ज्यादा हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताऊं, दो तीन मिसालें देके आप समझ जाएंगे कि क्लास में अगर आप मौजूद हैं, जरा सा भी जहन आपका भटक गया, जहन इधर से उधर हो गए, तो कई जुमले इसातज़ा के निकल गए, आपके जहन से निकल गया, या आपका आपके फोन पर किसी का फोन आ जाता है, आपका फोन आ जाता है, आप इजाजत लेके बाहर फोन पे बात करने जाते हैं, उस वक्त इसातज़ा ने जो कहा वो आपका नुकसान हो गया। फिर पूरे क्लास में पूरे 50 मिनट तक यकसुई के साथ बहुत कम तलबा मौजूद रहते हैं। जहनी तौर पर कहीं ना कहीं उधर इधर जहन भटकता रहता है। यहां ऑनलाइन में यह फायदा यह है कि जो चीजें आपको दी जा रही हैं, उन चीजों को आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, आपने बटन दबाया, ऑन हुआ, आपने सुन लिया, यानी बार बार आप उसको सुन सकते हैं। और इसमें अल्फाज नहीं बदलते हैं, न जुमले बदलते, आप जितनी बार सुनेंगे वही चीज बार बार आपके सामने आएगी। तो ये इसके बहुत फायदे हैं। ये मुख्तसर है लेकिन जामे हैं और मवाद के एतबार से भरपूर है। आइए कल जो नज़्म पढ़ी थी आज उसके सवाल और जवाब को देखते हैं। और एक चीज और मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, मुस्लिम शायरों ने भी उर्दू में, मुस्लिम शायरों ने भी उर्दू में राम की अहमियत, राम की अफादियत, राम की अजमत और राम के शान में नज़्में कही हैं। इकबाल जैसे बड़े शायर भी राम को इस तरह खराज अकीदत पेश करते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, पहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, तलवार का धनी था सुजात में फर्द था, तलवार का धनी था सुजात में फर्द था, पाकीजगी में जोश मोहब्बत में फर्द था। इकबाल जैसा बड़ा शायर वो भी राम की अजमत को सलाम करता है। तो और आपने देखा कि गंगा जमनी तहजीब का जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आज जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, ये उर्दू जबान जो है दरअसल हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। इसकी मातृभूमि जन्मभूमि हिंदुस्तान है और यहीं ये परवरिश पाई, यहीं ये जवान हुई है और इसकी खिदमत में हिंदू मुस्लिम सब पेश पेश रहे हैं। आज भी देखिए उर्दू के जो बड़े 3-4-5 बड़े नाम हैं, आइकॉन की हैसियत रखते हैं, उसमें प्रोफेसर गोपीचंद नारंग भी हैं और उनका ताल्लुक जामिया से है, हमारे सदर शोबे उर्दू थे वो। प्रोफेसर शमी भनफी का भी ताल्लुक जामिया से है, ये भी एक बड़ा नाम। शमशुरहमान फारूकी हमारे यहाँ टीचर नहीं थे लेकिन वो भी विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से, ये बड़े नाम हैं। और जामिया जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी के आप तालिबे इल्म हैं, यकीनन आप अपने आप पर फख्र कर सकते हैं कि मैं जामिया जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हूँ। तो आइए पहले अब इस पे
कुछ सवाल जवाब है, तो सवाल है और उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं तहरीरी तौर पर व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज भी दूंगा। पहला सवाल है कि रामचंद्र जी ने माँ को कहाँ देखा, रामचंद्र जी ने माँ को कहाँ देखा। बड़ा आसान जवाब है कि रामचंद्र जी माँ ने, जब वो अंदर जाते हैं तो कमरे में दरवाजे में होती है, दरवाजे के बीच बीच बैठी होती है, दर पर देखा यानी दरवाजे में देखा। खामोश दूसरा सवाल है कि खामोश बैठी हुई माँ को शायर ने किससे मिसाल दी है। बृजनारायण चकबस, चकबस क्या कहते हैं वो शेर आप देखिए कि खुद आप समझ जाएंगे। तन में लहू का नाम नहीं, लहू कहते हैं खून को, तन में लहू का नाम नहीं, जर्द रंग है गोया बशर नहीं, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। संग कहते हैं पत्थर को, तस्वीर मूर्त, वो तस्वीर की मूर्त थी। तो खामोश बैठी हुई माँ को शायर ने किसकी, किससे मिसाल दी है, तो खामोश बैठी हुई माँ को शायर ने पत्थर की मूर्ति से मिसाल दी है। तीसरा सवाल है, मिसरा हर मुए तन जबा की तरह बोलने लगा। एक मिसरा में यह आया है, हर मुए तन की तरह, हर मुए तन जबा की तरह बोलने लगा से क्या मुराद है। आप जानते हैं जिस्म का बाल, बदन का बाल, शरीर का बाल, जिसे हम कहते हैं रुआ रुआ बोलने लगा। तो इस नज्म से चौथा सवाल है, इस नज्म से अपने पसंदीदा 10 अल्फाज मुंतखब कीजिए। मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे इस नज्म में नौनिहाल, कम उम्र बच्चा, नया दरख्त, ख्याल कहते हैं फिक्र को, अंदेशा, लिए हुए शक्ल चेहरा, दर्व के माने दरवाजा बताया, खस्ता हाल जख्मी बदहाल, शिद्दत मलाल सख्ती तकलीफ जोर कुवत वगैरह वगैरह। एक लफ्ज है सकता, एक बीमारी जिसमें आदमी बेहिस हरकत हो जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंटल हमें कोई खबर मिलती है तो अजीब सी कैफियत होती है, न हिल रहा है न डोल रहा है, उसी आलम को हम कहते हैं कि उस सख्ती की कैफियत है। लहू के माने खून, जर्द के माने पीला, संग के माने पत्थर, बशर के माने इंसान, नूर के माने नूरे नजर है बेटा आंखों की रोशनी, दीदा आंख देखा हुआ किसी चीज के न मिलने का अफसोस, दीदा हसरत पशिमानी आरजू अरमान, जुम्बिश के माने हरकत हैं, लब कहते हैं होंठ को, लबों हैं तो इसके लिए होंठों, सर्द माने ठंडी, राह के माने रास्ता, अश्क माने आंसू, गोशा हाय चश्म आँख के कोने से जो आंसू जारी होते हैं बहते हैं उसे हम कहते हैं गोशा हाय चश्म, मुएतन जिस्म का बाल, सहरा जंगल को कहते हैं, बन भी जंगल को कहते हैं, योगी सन्यासी को कहते हैं। तो ये इस तरीके से आपका, आप देख लेंगे, मैं लिख के भी भेज दूंगा, लेकिन ये है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है और इस को समझने की ज़रूरत है जो पंडित बृजनारायण चकबस ने रामायण का एक सीन, उनकी नज़्म है, और उस नज़्म का एक छोटा सा टुकड़ा आपके किताब में है, आपके निसाब में है। ये मुकम्मल नज्म नहीं है, अगर पूरी नज्म आप पढ़ेंगे तो और भी आपको वो पूरा वो सिन वो मंजर आपके सामने और तफसील से फैला हुआ नजर आएगा। मैंने कोशिश की कि मुख्तसर सही, जामे सही, मुख्तसर तरीके से आपको उसको, उस पर रोशनी डालूं, आपको बताऊं कि रामायण क्या था, पंडित बृजनारायण चकबस कौन थे, और फिर इसका खुलासा भी पेश किया है। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को दिलचस्पी से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और फिर लिखने का भी मश्क करेंगे। बहुत शुक्रिया।